हेलो 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 गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस हमारे साथ हैं हमारे दो फेलो स्ट्रीमर्स, दो बहुत ही फेमस स्ट्रीमर्स, उनमें से एक है इशू। दो क्या होता है? अच्छा तू भी है, सॉरी तुझे भी लिया था वीडियो में, माय बैड। भूल गए। हाँ, और हमारे मयंक भाई हैं, एक गेमर्स ओडिसी। राम राम। और हमारे साथ है, जिसको मैंने बुलाया नहीं था, हमारे भैया जी गेमिंग। अरे भाई आया है। ठीक है भाई, जा मत, रुक जा। अभी हम कर रहे हैं वीडियो कर रहे हैं। तो गाइस बेसिक सी वीडियो है आपको, मैं मतलब दो सेशंस होंगे। एक होगा जनरल नॉलेज, जिसमें चार क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद होगा गेमिंग सेशन, जिसमें भी चार क्वेश्चंस होंगे, और जो राइट आंसर देता है, जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं, वो आगे प्रोसीड करेगा। और हर एपिसोड में हम दो तीन अपने फेलो स्ट्रीमर्स को बुलाएंगे, एंड उसी के साथ साथ जो जीतेगा वो आगे सेमीफाइनल फाइनल खेलेगा। और एक चीज़ और बता दूं कि विनर को मेरी तरफ से मैं कुछ प्राइज़ दूंगा। अब ये नहीं बताऊंगा मैं क्या दूंगा, बट हाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, तो एक्साइट। ठीक है भाई, हाँ तो सबसे पहले आप लोग अपना इंट्रोडक्शन कर लीजिए और ये बता दीजिए हल्के से कि मतलब आपकी गेमिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। तो मैंने गेमिंग स्टार्ट करी थी, मतलब मैं 10th में थी, तो आई स्टार्टेड प्लेइंग पहले पबजी, देन हंस मत पीयूष थप्पड़ मार दूंगी। फिर उसके बाद मैं जब कॉलेज में आई तो देन आई स्टार्टेड प्लेइंग वैलोरेंट। तो हॉस्टल से आई स्टार्टेड स्ट्रीमिंग धीमे धीमे और विथ मोबाइल डेटा हॉस्टल में। तो उससे आई कंप्लीटेड माय 1K सब्स, फिर देन मैं बाहर शिफ्ट हो गई। फिर उसके बाद अब धीमे धीमे फैमिली ग्रो हो रही है, अभी 4K सब्स पे हैं एंड जिनके ऑलरेडी 100K हैं, मयंक भाई आप बोलिए कुछ। भाई गेमिंग इन द सेंस तो भाई बहुत टाइम पहले से चालू कर दी थी, छोटे थे तब से, लाइक उस टाइम PS2 होता था हमारे पास और एक Xbox 360 था, तो वो तब से ही मेनली GTA एंड ऑल ड्रैगन बॉल्स ये सारे गेम बहुत पसंद है, क्रिकेट वगैरह। आगे जाके भाई जब था उस टाइम इतना सही PC नहीं था, 2020 के आसपास मैंने PC लिया है, उस टाइम स्टार्ट कर रहा था थोड़ा बहुत खेलना। और यूट्यूब चैनल पहले था एक, 750 सब पे वो अटक चुका था तो उसे बंद करना पड़ा। और इस लास्ट एक ईयर में ही मेरे 1000 हुए हैं, लास्ट सितंबर में ही चालू करा था और इस सितंबर में मेरे 100K उससे पहले ही हो गए हैं अप्रैल में जाके। तो हाँ बढ़िया था मेरा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा बढ़िया था। ओके। बाकी फिर एंड में पता ही है कौन बाकी, आप भी बोल लीजिए। भैया जी आप बताइए आपकी गेमिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। हमसे स्टार्ट करी थी क्लास 3 और 4 से, ठीक है, लैपटॉप वगैरह में गेम्स खेलते थे। अच्छी बात है, चल के बढ़ते हैं। अंदर से ना थोड़ी बड़ी हमारी इच्छा बड़ी, तो हमने कंसोल खरीदा पैसे इकट्ठा करके, उसके बाद 2-4 लाते खाई घर वालों से, देन हमने कंसोल पे करते थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे, तो घर वालों ने तोड़ दिया कंसोल, तो हम जाके बाहर गेमिंग कैफे में से बैठे रहते थे पूरे टाइम। तो वहाँ पे एक बार आके घर वालों ने पीटा, गेमिंग कैफे के अंदर पीटा था। कैसा लगा पीट के? ठीक है, वो एक्सपीरियंस अलग था। ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्लास 9 से वापस से स्टार्ट करी थी, पबजी वगैरह स्टार्ट करी, देन कुछ दिनों में बंद कर दी, 11th में आई थिंक बंद कर दी मैंने। देन उसके बाद वापस जैसे ही मेरा 12th खत्म हुआ, मैंने इंस्टेंट PC लाया एंड स्टार्ट कर दिया मोबाइल डाटा से स्ट्रीमिंग वगैरह। ओके, लेट्स एंड करेंटली नाउ यू नो 5K डन हो रहा है। यप। तो मैं भी अपना थोड़ा बहुत बता देता हूँ, आप लोग सुनना चाहे तो। नहीं जानना, आगे बढ़ना नहीं जानना। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। एक्चुअली मैं लाइक 2-3 साल पहले व्हेन आई वाज इन 10th, तो आई यूज्ड टू वॉच लाइक यू नो पबजी के वो होते थे टूर्नामेंट्स, PMCO ये सब होते थे, जब फिनेटिक स्काउट हुआ करता था, तो इफ यू रिमेम्बर। तो हाँ, तो उस टाइम मैं बहुत टूर्नामेंट्स देखता था, मैं बगल वाले का वाईफाई लेके अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके मैं देखता था। फिर उसके बाद आई फाउंड हाइड्रा फ्लिक, जो एक PC स्ट्रीमर था, मैंने उसको भी देखना स्टार्ट करा, और उसके बाद मैंने कहा अरे ये तो बवाल चीज़ है, वैलोरेंट खेल रहा है।
फिर मेरे पीसी में मतलब मेरे लैपटॉप में वो गेम चलती नहीं थी, तो आयरन वन आयरन टू पे ही झूलता रहता था मैं। फिर उसके बाद टेंथ जब ख़त्म हुआ फिर मैंने लाइक मैंने बनाया अपना एक कस्टम पीसी, और आज तुम्हारा भाई एसेंडेंट है और ऑलमोस्ट 3 के सब्स भी होने वाले हैं होपफुली जल्दी। पहला सेशन हम क्वेश्चंस के लिए, आई होप यू गाइस आर रेडी। जो जीतेगा वो आगे भी जाएगा, उसको कुछ प्राइस भी होगा, ये भी याद रखना ठीक है। तो नहीं 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 गूगल नहीं, देखो स्क्रीन के सामने देखना है और आपके हाथ दोनों हवा में एक बार ऐसे कर लो सारे। तो गाइस पहला सेशन होगा जनरल नॉलेज सेशन, जहां पे मैं आपको 4 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछूंगा, और उसमें जो है अगर आपने राइट आंसर दिया तो आपके होंगे पॉइंट्स प्लस 2, और गलत दिया तो एक भी माइनस नहीं होगा ठीक है, 0 के 0 रहेंगे। आर यू गाइस रेडी? यस 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 यस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया? नहीं सारे अपना अपना दिल्ली। हाँ गुजर तूने भी कुछ बोला, केरला, और भैया तूने क्या बोला? गोवा गोवा गोवा। भैया यू आर करेक्ट। ओ माय गॉड टू लव। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया? चांस मार लो, जितने मार सकते हो हाथ पर मार लो भाई, फुल फुल छूट है भाई। मुझे डॉलर और यूरो की जगह कुछ नहीं पता। डॉलर होता है कुछ ऐसे? नहीं नहीं रशियन होता है बट आगे डॉलर नहीं, इतना बता दूं। रशियन रशियन रूपी? नहीं 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 वाह रूबल नहीं रूबल समथिंग। लेट्स गो, मयंक ने कर दिया है आंसर राइट। ये जेब बात नहीं 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 देखा मैंने नहीं 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 बंदे ने जेन्युइन आंसर नहीं नहीं बंदे ने जेन्युइन आंसर दिया है, बंदे ने जेन्युइन आंसर दिया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन है, हु पेंटेड द मोनालिसा? पिकासो। पिकासो? नोप। ये आई गेस यीशु जी सही बोलने जा रही थी फिर अटक गई आई गेस। लिली समथिंग करके नाम नहीं, हाँ आ रहा है आगे भी है। विंची? पूरा नाम बोलिए पूरा नाम। लियोनार्डो डी विंची। चलो ठीक है, यू आर राइट। एक्चुअली में आंसर था लियोनार्डो द विंची बट ठीक है। हाँ मैंने पढ़ा था। हाँ ठीक है। यहाँ पे तुम तीनों के स्कोर्स हैं वो है 2-2-2 ठीक है। और ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद हम बढ़ेंगे गेमिंग सेशन की तरफ। तो द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ नेपाल? फुटबॉल? नोप। हॉकी? नोप। नहीं इंडिया का साले। अरे वॉलीबॉल होता है ना सबसे। Yes, you are right. Oh. Let's go. पीयूष के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे 4, वो 2 पॉइंट्स लीड कर रहा है, पता नहीं कैसे पर कर रहा है। पहला सेशन 4 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं और जनरल नॉलेज सेशन यहीं पे खत्म होता है। और इस सेशन के बाद सबके जो पॉइंट्स हैं, भैया के पॉइंट्स हैं 4, मयंक के पॉइंट्स हैं 2 और इशु के पॉइंट्स हैं 2 ओके अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ जो है गेमिंग सेशन। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है 4 क्वेश्चंस ही होंगे बट जो राइट आंसर देगा उसके होंगे प्लस 4, लेकिन अगर जो गलत देगा उसके होंगे माइनस 2। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ मेन कैरेक्टर इन GTA San Andreas? Carl Johnson. Let's go. You are right, my friend. और यहाँ पे जो है मयंक के पॉइंट्स होते हैं 6. थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In which year the Valorant was released? 2020. भैया तुम भी कुछ बोलना चाहोगे? नहीं नहीं तू बोल तो ले, मैं सुन तो लू क्या बोल रहा है। 2024 बोल रहा है वो भी बोल ले।
अबे पागल है बोल भाई कुछ भी भाई बोल। तेरा आया था 2019 में। तो गाइज यहाँ पे इशू जी ने बोला है की दो क्वेश्चन और रखे जाए ताकि गेम थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो सके और बाकी लोगों को भी चांस मिल सके, वरना तो एक तरफा इशू जी जीत रही है। तो हमने दो क्वेश्चंस और ऐड करे हैं, तो उन क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट गेम ऑफ सीएस वाज रिलीज्ड इन व्हिच ईयर? 2013 और 12? नोप। 2005 सीएस का पहला गेम? सबसे पहला गेम? नोप नोप नोप, तुम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हो। पहला गेम का ईयर या फिर नाम? ईयर 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 भाई 1997 नहीं क्लोज था, प्रिटी क्लोज, प्रिटी नहीं नहीं प्रिटी क्लोज, प्रिटी क्लोज, नहीं 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 2001 है या फिर 2001 है सर? 6 नो नो नो, कंफर्म आंसर बताओ सर। 95 नहीं 6 अबे पागल हो, उतना 19 सारे तुक्के मारे जा रहे हैं, सब कुछ नहीं हो रहा राइट। नहीं चल रुक जा, एक अब लास्ट आंसर देंगे सारे। हां नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, 1998 जो बोला ना उसके बहुत प्रिटी क्लोज है, बट ये मैं नहीं बताऊंगा ऊपर है कि नीचे, वरना तुरंत पकड़ लोगे। और ये सुनो 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 सुनो, ये लास्ट मौका होगा सबका, ठीक है? मुंह खोलना तो देख के खोलना। हां मैं बता रहा हूं पहले ही, ठीक है? 1999 के और 2000 के बीच में है, बस इतना पता है मेरे को। नहीं करेक्ट ईयर कर, मेरा 2000 है। मयंक भाई यू वन, थैंक यू ब्रो। यप, तो यहां पे गाइस यहां पे जो है भैया जी के पॉइंट्स होते हैं, नहीं नहीं 4 और इशू के पॉइंट्स होते हैं 10 और हमारे गुजर भाई यानी गेमर्स ओडिसी के भी पॉइंट्स होते हैं 10। तो भैया आई गेस इस रेस से बाहर हो चुका है और विनिंग रेस से बाहर हो चुका है और मयंक जो है और इशू जो है वो दोनों कम्पीट कर रहे हैं विनर पोजीशन के लिए, ठीक है? फर्स्ट पोजीशन के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्ट आंसर देना। और एक और चीज बता दूं, अगर भैया ने ये आंसर राइट दे दिया तो तुम दोनों के पॉइंट्स हो जाएंगे 10 और 10। फिर एक अल्टीमेट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर उसमें भी भैया ने राइट दे दिया तो वो जीत सकता है, ये चांस है उसके। ओके ठीक है। यप 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 यप। सो द क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट ट्रूप इन सीओसी? यस यू आर राइट, मयंक भाई ने करेक्ट आंसर बोल दिया, बारबेरियन। बारबेरियन भाई सीओसी कौन खेलता है? मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है। सीओसी कौन खेलता है? और गेमर कह रहे हो अपने आप को वुमेन? हेलो भाई सच में, ठीक है भाई। ओके तो गाइस यहाँ पे जो है उलट फेर होता हुआ और इशू जी ने जो जो मौका दिया था, इशू जी ने जो मौका दिया था उस मौके को बहुत ही जोर से पकड़ा है मयंक भाई ने, और यहाँ पे जो है अब विनर निकल के आ रहे हैं हमारे मयंक गुजर, ठीक है? तो मयंक भाई एक बार कैमरे में कुछ कहना चाहेंगे कि इन लोगों के लिए जो हार चुके हैं जिंदगी से? देखिए हार जीत चलती रहती है, पर भैया तू तो हारता ही रहेगा। मुझे क्यों तोड़ा? ठीक है। ओह माय गॉड। देखो यार, देखो सीरियसली, असली में हार जीत चलती रहती है, गेम्स तुमने नहीं खेले थे मेनली, इसलिए तुम आंसर ना दे पाओ, क्या पता मेरे से पहले आंसर देते थे। बढ़िया करा तुम सबने, बहुत बढ़िया करा भाई दोनों ने, ठीक है? धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और पंपी वीडियो लाइक मतलब तेरे क्वेश्चंस, थैंक यू। ओ चुप कर जा, तुझे नहीं आते मेरी गलती, बिल्कुल ऐसे मत मानियो। नहीं क्वेश्चंस वर गुड, बढ़िया था, सच बोल रहा कुछ चीजें। तो गाइस अल्टीमेट पॉइंट जो होता है मयंक भाई जीतते हैं, उनके पॉइंट्स हुए टोटल 14 आई गेस, और इशू के 10 और भैया तो पीछे ही रह गया एज ऑलवेज 4। तो हमारे मयंक जी जो है वो जीतते हैं और वो आगे बढ़ेंगे, अब सेमीफाइनल में एंटर करते हैं वो,
अब होपफुली जिस भी दिन हम सेमीफाइनल की रिकॉर्डिंग करें, होपफुली वो थोड़ा सा यू नो इधर उधर से देख दाख के क्वेश्चंस थोड़े पता करके आए और आंसर प्रिपेयर होके आए। या प्रिपेयर होके आए और होपफुली वो सेमीफाइनल से फाइनल में भी एंटर कर जाए, गॉड नोज। बट ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप यू गाइज इंजॉयड माई वीडियो। मजा आया तो क्या करना है, लाइक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यप, टिल देन गुजर को तोड़ देना।